पंचायत के कार्यों में घोटाले को लेकर ग्रामों में लामबाद। गांव में क्या धरना प्रदर्शन। चंदौली के नगर ब्लॉक गोलाबंद पंचायत कार्यों को लेकर ग्रामों में लामबाद। पंचायत व्यक्त भ्रष्टाचार को लेकर क्या ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव घोटाले किए गए इंटरलॉकिंग का MB कार्यकार पैसा पास कराया जा रहा चुका है, मगर अधिकार शौचालय अधूरा पड़े हैं। शौचालय में भी घोटाले किया गया, साथ ही मनरेगा के मजदूरी को भुगतान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन का ध्यान अपील कराते हुए वेब भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की है। सुजीत कुमार, खास रिपोर्ट, चंदौली। क्या समस्या है आपकी? किस आवाज की दूसरी किस्त नहीं मिली है, तो इसके बारे में आपने ग्राम प्रधान से कही या सेक्रेटरी से? तो इसका कारण नहीं बताया कि दूसरा किस्त क्यों बाकी है, क्या मिलेगा, कब मिलेगा? वीडियो साहब कहने कि 24 का है, नहीं मिलेगा। ये इंदिरा आवास है, ये जो प्रधान योजना है, और आता तो मिल जाता। 14 का पैसा नहीं मिलेगा। 14 का पैसा नहीं मिलेगा, इसी पंचवर्षीय में बना है ना सो आवास के? अगले पंचवर्षीय, पिछले यही प्रधान थे जी। कहाँ की रहने वाली हैं? ब्लॉक कौन सा है? क्या समस्या है आपकी? पाँच छः महीना हो गया है। कहाँ काम की थी? मनरेगा में काम की थी। तो फिर इसकी शिकायत आपने प्रधान से की? हाँ। क्या बोले प्रधान? कहना के रत्नेश लिख पढ़ के भेजिए तो अपन पैसा। ये रत्नेश कौन है? जिला पंचायत नहीं, ग्राम सेवक, पंचायत मित्र हैं। तो आश्वासन मिल रहा है। मुस्तफा। गांव का नाम क्या है? गोलाबाद। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक नौगांव। क्या समस्या आपकी? समस्या यह है कि शौचालय जो बनल आ जाती है, बनल आ जाती है, नहीं बनल है, मजदूरी भी नरेगा वाला बाकी है। तो आधा शौचालय बना है। कितने दिन से शौचालय अधूरा है? तो कम से कम हो जाला, 3 महीना हो जाला, वही में आधा तिहा लोग बने। तो इसके बारे में ग्राम प्रधान से कहा? जरूर दरखास्त दे, सुनवाई नहीं भली, भल बनी नहीं बन पौला। अच्छा, उच्च इसके बारे में उच्च अधिकारियों से बात की थी? हाँ, जरूर कुछ बात हुआ था। और नरेगा कितने दिन का बाकी आपका? नरेगा का बाकी है कम से कम 10 दिन का बाकी है, अब फिर और पहले के तो बहुत से बाकी है, पहले के जो तो, तो इसके बारे में आपने 20 में का ठीक है, ठीक है। इसके बारे में आपने रोजगार सेवा किया ग्राम प्रधान से कहा था? ग्राम प्रधान से कहली तो कहे मिल जाएगा, मिला नहीं। राम कली। कहाँ की रहने वाली है? गोलाबाद। क्या समस्या है आपकी? हमारा नाम है, हमारे पति का नाम है, हमारे माझिल बच्चों का नाम है। जी जी। लेकिन वो में शौचालय का आए गए है, लेकिन हमन के मिलल ना। तो प्रधान से हमने कहा कि हमारा नाम आया है, हमें तो चाहिए। प्रधान जी के परसों दिन गयी तो कहने बहुत गौशाला बाकी है। हाँ हाँ। तो जब हो जाए, पूरा हो जाए, तब निसरी। साल 2 साल से यह बात कहत हूँ। अच्छा, साल 2 साल से यही बात कर रहे हैं। आपको कैसे पता कि मेरा आया है बना नहीं है? नाव कहीं कहीं जाती तो नाव पता है कि नहीं है। कागज में शो कर रहा है? हाँ, कागज में शो कर रखा। नाम बताइए। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्लॉक कौन सा है? क्या समस्या है आपकी? जी वो कहा कि हम लोग नरेगा में भर देंगे, देंगे गाड़ी पर भूसा भी ला देते। अपना भूसा कैसा मतलब? अपन भूसा मतलब घर का अपना सामान है, बोले नरेगा में भर देंगे। 100 दिन के बाद वो भी सोचा कि इकट्ठा मिल जाएगा, गरीब आदमी अकेले नहीं किया, 4-5 परिवार के साथ, बच्चे परिवार का। तो जी घर का काम करा कर मनरेगा में पैसा देने के लिए बोल रहे हैं? नरेगा में भी किए थे। अच्छा, और 100 दिन मनरेगा में किए थे। मैं यहाँ डीएम साहब के यहाँ चंदौली, हम गरीब आदमी है सर, भूमिहीन है, दोनों हाथ का अंधा है। अच्छा, आपको सूर है? अच्छा, पकड़ के रंगाना पड़ता है सर। जी जी, फिर भी आपने काम किया? हमेशा रहता है। और उसकी मजदूरी भुगतान नहीं हुई? नहीं। डीएम साहब कहे लोग गए थे। अच्छा, तो लेकर गया था, मैं स्वयं गया था। जी, तो क्या बोले सर? मैं ले जाकर इनको हाथ पकड़ के ले गया अंदर। हाँ, तो डीएम साहब कहीं गए थे, फिल्म से आए तो इनको देखे, तो इनका पेपर लिए और कहे कि इनकी भुगतान करा दी जाए। जी जी। 6/20 को मैंने ये प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया, तो ये प्रार्थना पत्र इनका है। अच्छा, और नवनीत सिंह
जल सर को हमने दिए। अच्छा। और मैंने ग्राम पंचायत की अपनी जांच भी लगाई। जी जी। किसी भी नहीं दिया। जी जी। तो ये कार्रवाई इसमें साहब अब तक कोई नहीं हुई। तो मेरे पास आए तो हमने कहा चलिए सब लोग आते हैं उनसे बताओ। जी जी। जाएगा मामला सबके यहाँ डीएम साहब के यहाँ। जी जी जी। तो नहीं मिला। ठीक। मैं आपका कहाँ के रहने वाले हैं? क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि जो मैं हमारा काम किए हैं वो भी रुका हुआ है। जो सरकार मुझे पट्टा कौन सा काम किए हैं? नरेगा वाला। नरेगा का मजदूरी रुका हुआ है तो इसके बारे में हमने ग्राम प्रधान या रोजगार सेवक से कही? हम कहे तो कर रहा है कि जाइए छपवा कर लाइए ये करिए वो करिए। हम दे जब छपवा के दे रहे हैं तो फिर चल रहा है। क्या छपवा कर दें? मतलब एक पर्ची मांगता है कि हमको छपवा के दीजिए। हम के आधार कार्ड से हमारा तो कितने महीने से बाकी है? हमें महीने कम से कम 3-4 महीने को बंधा काम हुआ था, सड़क काम हुआ था, नाली काम हुआ था, सब छिलवा छिलवा करके बंधा को मतलब अपना वो पैसा लिसाने लगे। और 2 लाख का काम 6 लाख लिसाने, हमको 2.5 लाख का हिसाब नहीं दिए हम लोग जनता ने। 2.5 लाख का हिसाब नहीं दिए हैं। 6 लाख रुपया अपने घर में आ जाकर देखिए उनकी मकान है, बीवी से कमरा है, हम लोगों को खाने का मोहताज है। और नहीं तो सर हमारा पट्टा हुआ गरीबों को नपा हुआ है तो वो भी टंगा हुआ है प्रधान के चलते। दोनों लोग माता जी हैं।